हम श्यामगिरी में बैठे हैं या यहाँ पर देख रहे हैं, और हमारे साहब ने बोला कि यहाँ की जो खूबी है कि ठंडक यानी गर्मी में भी ठंडक दिखाई देती है यानी महसूस होती है हर समय में, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपसे पूछा गया है कि क्यों ठंडे रहता है, तो बोले एटमॉस्फेयर के कारण हो सकता है, ऐसा आपका कहना है, भले जानकारी हो या ना हो, वो तो वन विभाग के लोग हैं अपने पेड़ पौधों को ही कहेंगे कि उनके कारण यह मतलब ठंडक मिलती है, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सारे देश में प्रदेश में जिस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन होने की बात आपने कही, तो वो जो चूना गोंद चमरगुट्टी जिसको बोलते हैं ऐसे जो तमाम है उसका जो मसाला पत्थर पे हुआ है, अब मजबूत भी रहता है, साथ में इसकी छत भी वही उसी की बनी होगी जी जी है ना, छत भी उसी की है, तो हम इसको देखते हैं कि जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में भी उसी गोंद का उपयोग होता था, चूने का उपयोग होता था, जिस उसके भी छत वैसे ही रहते, तो अपन किले में जाएंगे पुराने किले में तो वहाँ वैसे ही ठंडक रहती है, किले के अंदर जाओ कोई गर्मी नहीं बिल्कुल, तो वो दीवार पत्थर के और साथ में उसका जो जोड़ है जोड़ने का जो मसाला है वो भी प्रभावित करता है, एटमॉस्फेयर तो प्रभावित करेगा ही करेगा यदि सदाबहार जंगल लगा है, लेकिन उसका जो मूल कारण है वो उसके कंस्ट्रक्शन प्राकृतिक चीज़ों से हुआ है, इसलिए प्राकृतिक को अपना प्रभाव देना पड़ता है, तो वो प्रभाव दिख रहा है, यही है इस श्यामगिरी के